राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा चीज़ बॉल्स की रेसिपी। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रेसिपी है और ये सबको पसंद आता है, शादी पार्टियों में तो अक्सर बनता ही बनता है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है बाहर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ बॉल्स की रेसिपी। ये दोस्तों पीछे आप देख रहे होंगे ये लंबा सा आपको एक पाइप नुमा दिख रहा होगा जिससे हम लोग ईंट देते हैं और अपने घर को बनाने में यूज करते हैं। तभी हमारा घर बन रहा है तो हम लोग यहीं से हम लोग का ईंट जाता है। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि दादा जी आप बिहार में हैं, गांव में हैं, ढाबा कब खुलेगा और आपके साथ और कौन कौन है। तो हम लोग का एक ब्लॉगिंग चैनल है अनिता जी की दुनिया, उस पर हम लोग रोज पर डे का अपडेट देते रहते हैं। तो अनिता जी की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें और हमारे पूरे फैमिली से मिलें और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं लाला जी के ढाबा पे कि हमारा परिवार कैसा लगा। तो आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे चीज़ बॉल्स। तो चलिए चीज़ बॉल्स बनाने। तो यहाँ पे हम लिए हैं सुखा के ब्रेड, इससे क्रम्स बहुत बढ़िया बनता है। ये हम जो घर पे सुखाए हैं इसको, ये देखिए, आप चाहें तो इंस्टेंट तवा पे रख के भी बना सकते हैं क्रम्स। और इस तरह से हम तोड़ देंगे और इसका क्रम्स बना देंगे, उसके बाद बॉल बनाने की विधि आपको बताएंगे। तो ब्रेड क्रम्स को हम लोग पीस लिए हैं और यहाँ पे क्या क्या डालेंगे चीज़ बॉल में वो दिखा देते हैं आपको। तीन चार हरी मिर्च काट दिए हैं बारीक बारीक, एक छोटा सा शिमला मिर्च काटे हैं, थोड़ा धनिया पत्ता दिए हैं, एक बड़ा प्याज को सबको हम बारीक बारीक काट दिए हैं। यहाँ पे हम 5 टेबल स्पून मैदा दिए हैं, कुछ मैदा हम इसमें डालेंगे बॉल्स बनाने के लिए और कुछ का सेलरी बनाएंगे। यहाँ पे छोटा छोटा 4 आलू दिए हैं और यहीं पे हम दिए हैं 150 ग्राम प्रोसेस चीज। चीज को तो हम ग्रेट कर ही रखे हैं, अब आलू को भी ग्रेट कर देते हैं। आलू ठंडा लें, गर्म नहीं, दिक्कत होने लगता है, इसमें पानी छोड़ देगा अगर जब आप बॉल बनाएंगे ना तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आलू को ठंडा करके और ग्रेट करें। आलू हमारा ग्रेट हो गया है तो यहीं पर डालेंगे हम चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, दोनों को डाल देते हैं इसमें। यहीं पर डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यहीं पर डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा बाइंडिंग के लिए और यहीं पर डालेंगे ब्रेड क्रम्स 1 टेबल स्पून। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहीं पे हम जो बेजेस काट रखे हैं उसको भी डाल देते हैं। अब इसका हम बॉल्स बना देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिला लेंगे, इसको हम बढ़िया से मिक्स कर दिए हैं। अब हम एक छोटा छोटा सा बॉल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, इस तरीके से। तो इस तरह से हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे ताकि पकने में भी आसान रहे। तो इस तरह से हम गोल गोल बॉल बना देंगे और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम बना बना के और इसमें ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इसको इसी में छोड़ देंगे कि जितना इसमें गीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम निकाल निकाल कर रखेंगे। तो सारा बॉल बना बना के हम ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे और इसी तरह हम सारा बॉल बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा सारा बॉल बन गया है, तब एक एक बॉल को बढ़िया से क्रम में लगाएंगे और फिर हाथों पर इस तरह से हम गोल कर देंगे, इस तरह से, चाहे ऐसे इस तरह से भी आप गोल कर सकते हैं और गोल कर करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। बढ़िया से ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे और उसके बाद हाथों से गोल कर करके जो क्रम्स लगा हुआ है बढ़िया से चिपक जाए और इसको इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह सारा हम क्रम्स लगा लेंगे, इसको रखते जाएंगे। तो सारा करके फिर आपको हम दिखाते हैं। चूल्हा जला लिए हैं, अब कढ़ाई रख देते हैं बॉल्स को तलने के लिए और इसी में डालेंगे हम रिफाइन ऑयल डाल देते हैं तलने के लिए। तो यहाँ पे जो हम 5 टेबल स्पून मैदा दिए थे तो 1 टेबल स्पून तो हम डाल दिए थे बॉल्स बनाने में, 4 टेबल स्पून है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मोटा घोल तैयार करेंगे। तो देखिए इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, यानी कि हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए और कम भी गरम नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो ऊपर ऊपर से लेयर उसका जल जाएगा, अगर कम गरम होगा, तेल हमारा गरम हो गया है, हमें तेल मीडियम हाई चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, नहीं तो जो हम बॉल्स डालेंगे ऊपर से तो दम बिल्कुल करारा हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और बिल्कुल कम मतलब तेल गर्म रहेगा, यानी कि ज़्यादा ठंडा रहेगा तो तेल पी जाएगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब चलते हैं बॉल्स को सेलरी में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल करेंगे बॉल, और जो सैलरी हमारा होना चाहिए वो गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए,
एकदम बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। ये गाढ़ी रहेगा इस तरह का तब भी इसकी कोटिंग मोटी होगी, ये कोटिंग मोटी होगी तो ये फटेगा नहीं, यानी कि इसमें से चीज़ नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये इस तरह से हम कोटिंग कर दिए हैं। अब इसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और निकालने के बाद हम इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम क्रम्स लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम क्रम्स लगाएंगे, बढ़िया से क्रम्स लगाएंगे, और इसको कोशिश करेंगे ये कि जितना इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो बढ़िया से चिपक जाए इसमें। तो इसको हमें सैलरी में डालना है और सैलरी से डाल के इसको निकाल देना है, और फिर इसमें डालना है और इसको ब्रेड क्रम्स लगा देना है इस तरह से, और फिर इसको इसमें डालते जाना है। इसको चेक कर देते हैं कि कैसा ये बन रहा है, इसको हिला देंगे थोड़ा सा तो ये ठीक बन रहा है, देख सकते हैं। इसको हम निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 7 बॉल्स बना लिए हैं, इसको डाल देते हैं। तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो हमने लकड़ निकाल दिया है बाहर चूल्हे से। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाएगा बॉल्स हमारा तो फिर हम लकड़ लगा देंगे, मैंने आँच को हमें मीडियम रखना है। 2-3 मिनट में हम बॉल्स को निकाल देंगे, इसमें फटना शुरू कर हो जाता है ये देखिए, तो इसमें से जो चीज़ है वो बाहर निकल जाता है, इस वजह से हम इसको निकाल देंगे। आपका अगर बॉल्स फट रहा है तो मतलब इंडिकेट करता है कि आपका बॉल्स बढ़िया बन गया है। इसको निकाल देते हैं, तो दूसरा चक्कर भी हमारा बन गया तो डाल देते हैं कढ़ाई में, इसको भी निकाल देते हैं। अब फटाफट इसको सर्व कर देते हैं गर्मा गर्म। देखिए हमारा क्रंची बॉल्स एकदम बन के तैयार हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे इसी प्लेट में केचप के साथ। एक चीज़ बॉल्स को तोड़ के दिखाते हैं आपको कि कितना ये बाहर से क्रंची और सॉफ्ट बना है अंदर से, ये देखिए। मुँह में पानी आ गया। तो एक बॉल्स को हम तोड़ दिए हैं और सबसे पहले आपको खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो ये हमारा चीज़ बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह अपने घर में चीज़ बॉल्स बना के जरूर। सर्दी का मौसम है, पकौड़े तो खाने का दिल करता ही है, लेकिन कुछ हट के बनाएंगे। और हमें कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। और आप लोगों का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।